जी गाड़ी मैंने वापस कर दी है केसरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और 7 बजे का टाइम था, मैंने इनको कॉल किया कि मैं थोड़ा सा लेट ड्रॉप करूँगा, तो अभी अराउंड 11 बज चुके हूँ मैं, 11 बजे गाड़ी को ड्रॉप किया, और ये भाई थे जिन्होंने गाड़ी रिसीव की, और ये गाड़ी रही दिस वन, और गाड़ी ड्रॉप करके अभी मैं जाऊँगा टैक्सी लेकर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नोमैड ज़ाहिद यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इस टाइम केसरी टर्की रेलवे स्टेशन पे, और मेरा जो ये सफ़र है टुवर्ड्स कार्स, जो कि आर्मेनिया और जॉर्जिया बॉर्डर के साथ है, और ये एक मैं एक ऐसी ट्रेन ले रहा हूँ टर्की से जो नॉर्मली शायद जो है ना वो अभी तक इतनी फेमस नहीं हुई है, लाइक नॉर्मली फॉरेन टूरिस्ट तो ज़्यादातर ले रहे हैं, जो यूरोपियन साइड से लोग आते हैं और जॉर्जिया साइड पे ट्रैवल करते हैं तो वो ये ट्रेन पकड़ते हैं। तो मेरा ये ट्रैवल होगा टिल द बॉर्डर के साथ एक टाउन है जो कि है कार्स, तो वहाँ तक का अभी केसरी हूँ, और ट्रेन मेरी 1 बजे का टाइम है, और 48 लीरा का मुझे उसका टिकट मिला है स्टैंडर्ड क्लास का, कैबिन क्लास अवेलेबल नहीं था तो स्टैंडर्ड क्लास ही ले लिया। 18 घंटे का ये सफ़र है। अभी रोशनी थोड़ी सी कम है तो मैं आपको कंप्लीट इसकी डिटेल ट्रेन में बैठकर ही दूंगा। फ़िलहाल आप ऐसा करें कि आप इनका कार्स जो केसरी का रेलवे स्टेशन है वो देखें, और बाकी डिटेल मैं आपको ट्रेन में दूँगा। चलें जी, फाइनली ट्रेन जो है वो पहुंच गई है, 20 मिनट लेट थी लेकिन आ गई है। 2 घंटे मैंने इंतज़ार किया है, अभी जाकर देखता हूं कि सीट का क्या हिसाब किताब है। 32, 31, 25, 26 ये है जी 25 नंबर सीट, और ये वाली मेरी सीट है। तो भाई अपना डाइनिंग कार में आया हूँ अभी, और खाने के नाम पे कुछ नहीं मिला सवाए नाश्ते के नाम पे कुछ नहीं मिला सवाए एक चाय के और एक केक के, इवन के दोपहर को भी कुछ नहीं है और रात को भी कुछ नहीं है। अभी स्टिल जो है ना वो शायद ट्रेन टाइम के 12 से 14 घंटे तो 10 से 12 घंटे अभी का सफ़र पड़ा है कार्स तक का, तो पता नहीं कहाँ से खाना है क्या खाना है, यही केक बिस्किट ही खाने और चाय पीनी है शायद, बिल्कुल भी खाने पीने का बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ बिल्कुल बिल्कुल अपने साथ जो है ना वो चीज़ें खाने के लेकर आए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा खाने को। सर जी, खाने को तो और कुछ नहीं मिला, वो जो हम अपना बोरेक लेकर आया था, नहीं बोरेक नहीं सॉरी क्या था भूल गया नाम, वो रोल टाइप की जो चीज़ कल मैंने डिनर के टाइम की बजाई थी, तो यहाँ पे मैंने उसको, ये इनका वो है, यहाँ पे मैंने उसको गर्म कर लिया, और उसके बाद जो है ना वो जी ये वाला जो है ना वो डोनर शीश था वो का, और साथ में ये एक ले ली चाय, और एक ले लिया पानी, और एक ले लिया बिस्किट। तो ये वाला जो है इसको लंच समझ लें, ब्रेकफास्ट समझ लें, ब्रेकफास्ट चाय और उसके साथ कर चुका हूँ, ये लंच समझ लें इसको, तो ये मिल मिला के लंच है, बाकी खाना प्रॉपर जाके आई थिंक के कार्स में ही मिलेगा।
कार से टूवर्ड्स अपनी कार की तरफ। ये ट्रेन तो यहाँ पे ऑलमोस्ट खाली होने के करीब है। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया बैग्स वैग्स नहीं देखे तो वो देख लूँ। ये वाला दरवाज़ा बड़ा मुश्किल होता है इनका, खुलो। अच्छा वो हिलने वाला हिसाब किताब अपने पाकिस्तानी ट्रेन जैसा ही है, लेकिन बाकी ठीक है। ये भी ये दो और एक, ये इनका स्टैंडर्ड क्लास है ना इसमें बैठने वाला, लेकिन सीट्स जो है ना वो इंक्लाइन हो जाती हैं। यहीं पे होना चाहिए मेरा आई थिंक, हाँ यही है। ये ले भाई ट्रेन पिछले कोई 15 से 20 मिनट पे ये कारासू है रेलवे स्टेशन यहाँ पे खड़ी हुई है, और मैं बाहर नहीं निकल सकता, डर लग रहा है कि बाहर निकला तो इनके तो ऑटो गेट हैं वो बंद हो गया, तो मैं तो यहीं रह जाऊँगा सामान। ये ट्रेन आई है सामने से, आई थिंक इसकी क्रॉसिंग की वजह से ये हमारे वाली ट्रेन जो है ना वो रुकी हुई थी, तो अब ये क्रॉस हो रही है तो मेरा ख्याल अब चल पड़ेगी। कंप्लीट ट्रेन का आपको जो है ना वो एक व्यू यहाँ से मिल जाएगा टर्किश ट्रेन का, और ये एंड हो गई। मैं शाम के और मैं अभी सो गया था, अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है ट्रेन में तो मैंने यहाँ के लिए अर्ज़ेरूम जो इस प्रोविंस का मेरे ख्याल से लास्ट प्रोविंस होगा टूवर्ड्स जॉर्जिया आर्मेनिया, उस प्रोविंस का ये लास्ट ये कैपिटल सिटी है। काफ़ी बड़ा शहर है, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा शहर भी होगा इतना ट्रैवल करने के बाद। तो अभी वहाँ पर ट्रेन पहुँच चुकी हुई है अर्ज़ेरूम में, और थोड़ा सा उतरता हूँ नीचे देखूँ कुछ खाने को मिल जाए, कुछ भी नहीं खाने को मिल रहा, भूख बहुत शदीद लगी हुई है। चलिए जी नीचे आ गया अर्ज़ेरूम रेलवे स्टेशन पे, यहाँ तो बर्फ़ों वाली तस्वीरें लगी हुई हैं, और खाने को कुछ मिल जाए मुझे, शायद वहाँ पे एक शॉप नज़र आ रही है, मैं भाग के जाता हूँ अगर कुछ शॉप से उधर से मिल जाता है मुझे खाने को। ओके जी, तो ये अर्ज़ेरूम स्टेशन से फाइनली खाने के लिए चीज़ें मिल गई हैं। आयरन मिली है, आयरन और ये एक रोल, और इसके साथ ये वाला सैलेड। तो अभी इसी से गुजारा करते हैं और 3 घंटे में हम इंशाल्लाह ट्रेन। जी तो फाइनली पहुंच चुका हूँ कार्स, जस्ट अभी रेलवे स्टेशन पे आके गाड़ी रुकी है, और ज़रा गाड़ी का मायना करूँ किस गाड़ी में मैं आया हूँ, क्योंकि वैसे तो पीछे उतर के इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि इधर उधर देख कर आऊँ। तो रेलवे स्टेशन ये केसरी से तो बहुत ही डेवलप्ड और अच्छा सा है। सर्दी अभी हल्की हल्की सी फील हुई है, हीटर में रहा हूँ जो पिछले कोई मुझे टाइम हो गया है 20 घंटे, तो अभी जो है वो थोड़ा सा हीटर में रहा हूँ 20 घंटे तक, तो अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन ये वाली गाड़ी थी मेरी, वो कोच थी मेरी, अभी थोड़ा सा ऐसा ऐसा से ठंड कम हो लगना शुरू होगी तो फिर पता चलेगा। एनी हाउ बाहर निकलूँगा, होटल वोटल कुछ बुक नहीं है, कुछ पता नहीं है कहाँ पे रुकना है, लेकिन
तो लेकिन होटल का कुछ अता पता नहीं है मुझे कि कहाँ पे रुकना है। अभी बाहर मैप पे देख लिया है कि वो जो है ना इनकी मेन स्ट्रीट, उस पर चलूँगा तो काफ़ी सारे होटल्स हैं वहाँ पे, तो उधर से पता कर लूँगा, कोई सस्ता सा ढूँढ लूँगा। खाना भी भोजन भी करना है, 25-20 घंटों से एक रोल खाया सिर्फ, खाने के नाम पे इस ट्रेन में कुछ भी नहीं मिलता है। आइंदा किसी ने भी इस ट्रेन पे आना हो तो सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, अपना चार्जिंग फुल करके आइएगा और खाने का हिसाब किताब लेकर आइएगा। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सिर्फ ना चार्जिंग के लिए आपको कोई चीज़ मिलेगी और ना ही आपको खाने के लिए कोई चीज़ मिलेगी। बस ये लेकर आइएगा, अपने 20 से 25 घंटे का सामान लेकर आइएगा बस, ठीक है। टाइम से है एक डेढ़ घंटा, एक आधा घंटा 45 मिनट लेट हुई है, खैर है, वो पीछे बर्फ़ थी, उस बर्फ़ में चलती आई है। यहाँ पर बर्फ़ नहीं नज़र आई लेकिन बर्फ़ की वजह से हो सकता है स्लो हो गई हो, जिसकी वजह से इनको। खैर ये अभी ट्रेन वाला व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, ताकि जो है ना वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ये फिर देखने में भी मसला हो जाएगा आपको। और बाकी इंशाल्लाह यहाँ से आगे मेरे साथ क्या कहानी बीतती है, ठीक है, वो आपको अब अगली वीडियो में पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। जी एक थोड़ी सी चीज़ रह गई, अगर तो आप एक्सट्रीम विंटर्स में आते हैं तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अभी बर्फ़ इतनी नहीं है, आउटस्कर्ट्स में है, सिटी में नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये तस्वीरें लगी हुई हैं। और अगर आप यही ट्रेन जनवरी में लेते हैं तो आपको रास्ते में कुछ इस तरह के मनाज़र मिलेंगे। चूँकि मुझे जो है ना वो थोड़ा सा बैरन सा मिला है, बर्फ़ नहीं हुई हुई इतनी ज़्यादा, अभी पीछे तो बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ करीब आकर स्टार्ट हुई है। तो अगर आप जनवरी, दिसंबर एंड और जनवरी में आते हैं तो आपको ये वाला सीन देखने को मिलेगा ट्रेन का।